राधा, मैं बांसुरी बजाते बजाते तुम्हें कब से देख रहा हूँ। तुम यूँ अलग अलग घड़ों में पानी क्यों भरी जा रही हो? इतने सारे पानी से भरे घड़ों का तुम करोगे क्या? तुम्हें क्या, मेरा जो जी में आए मैं वो करूँ, मेरे घड़े मेरी इच्छा। हाँ हाँ वो तो ठीक है, परंतु पता तो चले इतने सारे पानी को तुम किस उपयोग में लाने वाली हो? कहीं सबको भिगोने की मंशा तो नहीं? सही पहचाना तुमने, यही मंशा है हमारी, परंतु मेरे को अपनी बातों से वाका ना लगाया करो काना। हमें पता है कि तुम भली भांति जानते हो कि आज होली है और बरसाने में होली कितने धूमधाम से मनाई जाती है, और ऐसा अवसर तुम कहाँ जाने दोगे? तभी तो तुम गोकुल से बरसाने आए हो अपनी प्यारी प्यारी सखियों के साथ होली खेलने। ठीक कहा तुमने, ऐसा अवसर मैं कहाँ जाने दूंगा, परंतु अवसर स्वरूप बात ये है कि मैं गोपियों संग नहीं बल्कि तुम्हारे संग होली खेलने आया हूँ। तो आओ ना इस अवसर का लाभ उठाते हैं और इन कोमल कोमल फूलों से होली खेलते हैं और इन रंग बिरंगे रंगों में रंग जाते हैं। मैं और तुम्हारे साथ होली खेलूंगी, ये तो कभी अपने स्वप्न में मत सोचना। मैं तो अपनी सखियों के साथ होली खेलूंगी, और वैसे भी तुम्हारा मेरा मेल ही क्या है? तुम गोकुल मैं बरसाना, तुम कितने काले मैं कितनी गोरी, मेरी तुम्हारे साथ होली खेलने की इच्छा कभी ना होगी पूरी। मैं बरसाने की छोरी ना कर मोते बरजोरी, मैं बरसाने की छोरी ना कर मोते बरजोरी, तू कारो और मैं गोरी अपनो मेल नहीं। मैं तो से बांधू प्रीति की डोरी करता खेल नहीं। ना ना मैं बरसाने की छोरी ना कर मोते बरजोरी, तू कारो और मैं गोरी अपनो मेल नहीं। मैं तो से बांधू प्रीति की डोरी करता खेल नहीं। आहा, शुकर करो के पड़े नहीं जसुदा मैया के डंडे, एक डांट में है जाते अरमान तुम्हारे ठंडे। मैं नंद बाबा का लाला, मैं तो ना डरने वाला, तेरा पड़ा है मुझसे पाला करता खेल नहीं। अच्छा मैं गुजरी तू ग्वाला अपनो मेल नहीं। ऐसा ना कहो राधा, तुम तो जानती हो मैं कितनी दूर से तुम्हारे साथ होली खेलने आया हूँ। अगर तुम मेरे साथ होली नहीं खेलोगी तो मेरे हृदय को बहुत ठेस पहुँचेगी, मैं तो पतझड़ के पत्तों के समान मुरझा ही जाऊंगा। ओह कितने नाट्य दिखाते हो, जैसे तुमसे भोला भाला तो कोई है ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम एक अवसर देती हूँ, यदि तुमने मेरे दो प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य होली खेलूंगी। अच्छा सत्य, तो पूछो क्या पूछना है। मेरा पहला प्रश्न ये है कि तुम तो जानते ही हो कि मैं उजाले के समान गोरी हूँ और तुम काजल के समान काले, तो बताओ ऐसा क्यों है, मैं इतनी गोरी और तुम इतने काले क्यों हो? भला ये भी कोई प्रश्न हुआ, इसका तो बड़ा सरल सा उत्तर है। तुम तो जानती हो तुम शुरू से मुझे काला काला कह के पुकारती थी, तुम्हारी इसी वाणी के कारण एक बार मैं बहुत निराश हुआ और यही प्रश्न जाके मैया यशोदा से पूछ बैठा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों तू
काला था, अब तुम्हें आभास हुआ कि मैं काला क्यों हूँ? क्योंकि मैं कजरे के समान तुम्हारे नैनों में बसता हूँ, तभी तो तुम मेरी प्रतीक्षा करती हो। मैं और तुम्हारी प्रतीक्षा? अरे जाओ जाओ बड़े आए। अच्छा चलो अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, बताओ हम होली क्यों मनाते हैं? तो होली त्योहार को मनाने के पीछे का वास्तविक सत्य जानना चाहती हो? बड़ी चतुर हो राधा, तो सुनो फिर। इसकी शुरुआत सत्युग में हुई, जब विष्णु भगवान के दो द्वारपाल जय और विजय संकादित ऋषियों द्वारा श्राप मिला। तुम दोनों भाइयों को ये श्राप मिलता है कि अगले 3 युगों में तुम राक्षस का जन्म लेकर पैदा होगे। सत्युग में तुम्हारा नाम हिरण्या और हिरण्यकश्यप होगा। त्रेता युग में तुम दोनों का नाम रावण और कुंभकर्ण होगा। द्वापर युग में तुम्हारा नाम शिशुपाल और दंतव्रत होगा। तुम संसार में इतने पाप करोगे कि तुम्हारा वध करने के लिए स्वयं विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। अनर्थ हो गया स्वामी, अनर्थ हो गया। हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पृथ्वी को बंदी बनाकर समुद्र में ले जा चुका है। अब न जाने क्या होगा, वो पृथ्वी पर कितने अत्याचार करेगा। पृथ्वी, अब तू मेरे अधीन है। अब से मैं ही तेरा दादा हूँ, मैं ही तेरा स्वामी हूँ और मैं ही तेरा भगवान हूँ। अब तू मेरे वश में है पृथ्वी। देखता हूँ कि तुझे मेरे प्रकोप से कौन बचाएगा। हे प्रभु, इस सृष्टि की रचना करने वाले दाता विधाता, मेरी रक्षा करो, मुझे हिरण्याक्ष के अत्याचारों से मुक्त करो। पृथ्वी, अब तुम निर्भय हो जाओ, मुझे तुम्हारी पीड़ा का आभास है। अब मैं अति शीघ्र ही वरा अवतार लेकर तुम्हें हिरण्याक्ष के अत्याचारों से और इन संकटों से मुक्त करवाऊंगा। फिर विष्णु भगवान ने वरा अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसी कारण हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप सदैव के लिए विष्णु भगवान को अपना शत्रु बना बैठा और उनसे बदला लेने की ज्वाला में मेरी तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। उठो हिरण्यकश्यप, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि मेरी मृत्यु ना किसी मनुष्य के हाथ हो, ना किसी पशु के हाथ, ना किसी दैत्य से, ना किसी देवता से, ना सर्प से, ना गंधर्व से, ना दिन में, ना रात में, ना पृथ्वी पे, ना आकाश में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना धूप में, ना बरसात में, ना समुद्र में, ना कैलाश पे, ना घर के भीतर, ना घर के बाहर, इस धरती का कोई भी प्राणी मेरी शक्तियों का सामना न कर पाए। यहाँ तक कि मेरी तुलना सभी देवी देवताओं से ऊपर हो। ब्रह्मदेव, मुझे अपने समान शक्तिशाली होने का वरदान दो। आज से इस सृष्टि का हिरण्यकश्यप भी भगवान हो। तथास्तु। प्रभु, ये क्या हो रहा है?
हिरण्यकश्यप क्या करना चाहता है? लक्ष्मण, हिरण्यकश्यप स्वयं को धरती का नया भगवान समझने लगा है। वह धरती पर इतने पाप कर रहा है, हर व्यक्ति को इतना पराधीन कर रहा है कि वह भय के कारण मेरी जगह उसका नाम ले रहे हैं। परंतु स्वामी, विधि का विधान तो देखिए, उसका पुत्र प्रहलाद तो सदैव आपकी ही भक्ति में लौलीन रहता है। हे प्रभु, आप ही इस जग के भगवान हो, आप ही इस जग के पालनहार हो। आपकी इच्छा के बिना तो कोई कार्य संभव नहीं होता। आप ही इस जग के दाता विधाता हो। फिर क्यों मेरे पिताजी स्वयं को भगवान मानते हैं? हे प्रभु, मेरे पिताजी को थोड़ी सद्बुद्धि प्रदान करो, ताकि वो अहम और अहंकार की राह को छोड़कर सत्कर्म और सद्धर्म का मार्ग अपनाए। प्रहलाद, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम फिर उस विष्णु की पूजा कर रहे हो? तुम विष्णु का नाम लेना छोड़ोगे या नहीं? नहीं पिताजी, मैं हरि की भक्ति करना कदापि नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। सिपाहियों, यहाँ आओ। महाराज जी जय हो। ले जाओ इसे और ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। से तड़पाओ, क्रूर से क्रूर मार्ग अपनाओ, ताकि यह विष्णु का नाम लेना सदैव के लिए छोड़ दे। जो आज्ञा महाराज। चलिए युवराज। क्या करो इस प्रहलाद का? समझ नहीं आता इसे कैसे छुटकारा मिलेगा। राधाश्री, यदि आप प्रहलाद को मारना ही चाहते हैं, तो आपकी ये बहन होलिका किस दिन काम आई? आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान प्राप्त है कि अग्नि भी मुझे जला नहीं सकती। क्या कहना चाहती हो होलिका? साफ साफ कहो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं प्रहलाद को लेकर उस अग्नि में प्रवेश करूंगी। मैं तो जीवित बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद जल के राख हो जाएगा। प्रहलाद, बेचारा प्रहलाद। फिर होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया, परंतु उसको प्राप्त वरदान भी उसकी बुराई को जिता ना सका और प्रहलाद की जगह वो खुद जलकर राख हो गई, क्योंकि वो वरदान, वो चादर अग्नि से उसकी रक्षा के लिए थी, ना कि उसकी आड़ में दूसरों के प्राण लेने के लिए। प्रहलाद, आज तू सिर्फ मेरे हाथों से मरेगा। तू पुत्र नहीं, मेरे वंश में जन्मा एक कलंक है। मैं तेरा पिता हूँ और ये संसार मुझे अपना भगवान मानता है, परंतु तू तो मेरे शत्रु को ही भगवान मानता है। यदि सच में तेरा विष्णु भगवान है, तो बुला बुला अपने भगवान को, जो आज तुझे मृत्यु से बचाएगा। बुला अपने विधाता को, जो आज तेरी रक्षा करेगा। बुला अपने ईश्वर को, जो कहता है बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। हिरण्यकश्यप, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। ये संसार अब तेरे दुष्कर्मों का भार नहीं उठा सकता है। तू अपने अहम, अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका है कि तुझे स्वयं अपने पुत्र की अच्छाई भी दिखाई नहीं दे रही। इसलिए अब समय आ चुका है तुझे और तेरे जैसे हर एक बुरे व्यक्ति को ये दिखाने का कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती थी, होती है और सदैव होती रहेगी। अब मेरे नरसिंह अवतार लेने का समय आ चुका है। फिर विष्णु भगवान नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुए और उन्होंने धरती और आकाश के बीच, दिन और रात के बीच, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के महल की चौकट पर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बस तब से सब लोग होलिका दहन करते हैं और अगले दिन
बुराई के काले अंधकार से मुक्त होने की खुशी में होली का त्योहार मनाते हैं। राधा, अब तो मैंने तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, अब तो मेरे साथ होली खेलोगी ना? आए भाग खेलन गोपाल बरसाने में, गावे ख्याल दे दे ताल उर हर्षत है। कंचन पिचकारी तकी मारी बिहारी ने, आज नंद लाल पे गुलाल बरसत है। ओ आज नंद लाल पे गुलाल बरसत है। होली खेल रहे ओ होली खेल रहे, हाँ हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। ओ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे ओ होली खेल रहे, होली होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। आज नंद लाला ने धूम मचाई है, आज नंद लाला ने धूम मचाई है। ओ प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, हाँ प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है। और रंग भर भर के ओ रंग भर भर के मारी पिचकारी, आज रंग बरस रहा। सरे निजा सरे रे सा, सरे निजा सरे रे सा, रे सा रे सा निजा सरे रे सा, निजा सरे रे मामा पापा पा, निजा सरे रे मामा पापा पा, निजा सरे रे मामा पापा मरी सनी।